साइड फॉर हाइव्स विल हेल्प टू एंश्योर गुड क्वालिटी हनी प्रोडक्शन, जो हम माइग्रेटरी बी कीपिंग में या इवन जब कोई ऑब्वियस बी कीपिंग कर रहा होता है उसमें जो साइड सेक्शन है वो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है कहीं भी अपायरी आपको शिफ्ट करने के लिए। हाइव सॉरी साइड सेक्शन आपकी कॉलोनी हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है, आपके बिजनेस पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है और हनी भी हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अच्छी साइड सिलेक्शन एक अच्छी साइड को सिलेक्ट करना जो है वो एक अच्छे बी कीपर की निशानी होती है। माइग्रेटरी बी कीपिंग में हम माइग्रेटरी बी कीपिंग में जो बी कीपर्स काफ़ी अरसे से बी कीपिंग कर रहे हैं उनके लिए आइडियल एनवायरनमेंट हर सीज़न के लिए ढूंढने में कई साल लग जाते हैं और ये एक्सपीरियंस से उनके लिए लर्न होता है कि किस साइड पे क्या प्रॉब्लम्स थे और किस साइड्स के क्या फ़ायदे थे। तो माइग्रेटरी बी कीपिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी आप साइट सिलेक्शन करें आपके पास उसका डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। और अगर एक हॉबिस्ट बी कीपिंग कर रहा है जिसने माइग्रेटरी बी कीपिंग जो है वो नहीं करनी, उसको साइट सिलेक्शन में कुछ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि थ्रू आउट द ईयर उसके लिए फ्लोरा वहाँ पे अवेलेबल हो, नेक्टर और पोलन। जो पहले हमने बात की कि प्लांट डाइवर्सिटी किस हवाले से ज़रूरी है, प्लांट डाइवर्सिटी इसीलिए ज़रूरी है कि थ्रू आउट द सीज़न किसी न किसी प्लांट पे किसी न किसी प्लांट स्पीशीज पे फ्लावर और नेक्टर हनी बीज के लिए अवेलेबल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी साइट सिलेक्शन के लिए है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया, कि उस एरिए की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जिस तरह का डॉक्टर आसिफ अजीज साहब ने डिस्कस किया था कि विद इन 3 किलोमीटर्स एक ही अपायरी हमें रखनी है और उसकी प्लांट्स की नीड्स हैं, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एरिए पे, जिस तरह हम एक टर्म यूज़ करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इस तरह हम कहीं इंटेंसिव बी कीपिंग तो नहीं कर रहे, उसका क्या फ़ायदा, उसका कोई नहीं, उसका हर बी कीपर तो नुकसान है। कि अगर फ्लोरल रिसोर्सेज कम है, पोलन और नेक्टर के रिसोर्सेज कम हैं और वहाँ पे अपायरीज बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं तो वो बी कीपर का हनी कई दफ़ा बहुत कम आता है और कई दफ़ा आता नहीं है। इसमें एनवायरनमेंट्स के हवाले से अर्बन और सब अर्बन एरियाज इसको क्लासिफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं, दूसरा रूरल एरियाज, फॉरेस्ट और पब्लिक लैंड्स। अर्बन और सब एरिया अर्बन एरियाज में फ्लोरल रिसोर्सेज कम होते हैं, मैनेज फ्लोरल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें पार्क्स आ जाते हैं और रोड साइड प्लांटेशंस आ जाती हैं। तो इसमें भी मेन चीज़ वही है कि अर्बन और सब अर्बन में भी हमें प्लांट डाइवर्सिटी के हवाले से, क्योंकि अर्बन और सब अर्बन में ज़्यादातर हॉबिस्ट बी कीपर्स ही बी कीपिंग करेंगे। माइग्रेटरी बी कीपर जो हैं वो रूरल एरियाज में चले जाएंगे जहाँ पे मोनोक्रॉपिंग होगी, कोई एक किसी एक क्रॉप पे वो ले जाएंगे वहाँ से वो हनी भी इकट्ठा कर लेंगे। और जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट हनी जिस तरह उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है नेचुरल फॉरेस्ट जो या जो मेंटेन किए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उस हवाले से। और पब्लिक लैंड्स में बाकी तमाम जो कैटेगराइजेशन ऑफ लैंड्स है, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन बेल्ट्स हैं, मोटरवेज के आगे पीछे, ठीक है, वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का हनी प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ना पेस्टिसाइड यूज़ है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है मोटरवेज के आगे पीछे। तो इस हवाले से ये 3-4 जो साइट्स के हवाले से ये हम इसको इस तरह कैटराइज कर सकते हैं। साइट सेक्शन में सबसे जो डिज़ायरेबल हमारे पास फीचर्स होंगे, बेसिक चीज़ के व्हीकल एक्सेसिबल हो, वहाँ पर आपकी गाड़ी जा सकती हो क्योंकि आपने वहाँ पे अपने डब्बे उतारने हैं रोड के रोड साइड पे हो। सेकंड थिंग इज ड्राई लोकेशन होनी चाहिए, वहाँ पे आपके लिए काम करना इजी हो और मॉर्निंग में सन एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। क्लीन वाटर वाटर बॉडी नियर बाय होनी चाहिए, कोई नदी कोई पॉन्ड कोई इस तरह की वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी वहाँ पे जो बेहतरीन साइट सिलेक्शन के हवाले से जो पॉइंट कंसिडरेशन में आते हैं उसमें नियर बाय वाटर बॉडी भी जरूरी है।
The other thing, access to abandoned non-contaminated forage and future expansion. ठीक है, उसमें आपके लिए अपायरी की साइट इतनी छोटी कंजर्व नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके अच्छा नेक्टोरेंट पोलन आ रहा है और आपके डब्बे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई स्पेस ही ना हो अपनी अपायरी को एक्सपेंड करने के लिए, तो इस चीज़ को भी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए. क्लियर लेवल स्पेस अराउंड हाइव्स इन एवरी डायरेक्शन. हाइव्स को आपने साइट सिलेक्शन में इस तरह प्लेस करना है कि हर हाइव के आगे पीछे 4 फुट की कम से कम जगह हो ताकि बी कीपर ईजिली अपने हाइव्स को मैनेज कर सके. और पब्लिक अटेंशन से हसल बसल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हनी बीज के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जहाँ जो वहाँ पे लोग होते हैं और यहाँ जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है. फीचर्स टू अवॉइड, लो लाइंग एरियाज, कोई ऐसी खाई जहाँ पे हवा का गुजर ना हो, जहाँ पे रोशनी अच्छी ना पड़ रही हो, इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए साइट सिलेक्शन में. फ्लड के हवाले से, अगर आप किसी नदी के किनारे या स्ट्रीम बेड पे रख रहे हैं तो उसके हवाले से आपको फ्लड का अंदेशा ना हो, अच्छी और ऊँची जगह होनी चाहिए. कोल्ड डैम एयर पॉकेट्स, कुछ एयर पॉकेट्स बन जाती हैं सर्दियों में जहाँ पे सर्दी होती है और वही वो ज़्यादातर वो जगह होती हैं जो बेस ऑफ एनी हिल होता है या खाई जिसको हम कह लें, तो उस तरह की जगह नहीं होनी चाहिए. बहुत तंग जगह भी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको वर्क स्पेस ही ना मिले और सिर्फ आपके डिब्बे पड़े हों और आपको अपनी वर्किंग करने के लिए वहाँ पर स्पेस ना मिल रहे हो, कंजेस्टेड जगह नहीं होनी चाहिए. और लोकेशन विद हाई ट्रैफिक वो भी नहीं होना चाहिए. ये एक साइट सेक्शन के वाले से टिपिकल तस्वीर है. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पीछे आप अपायरी के देखेंगे अपायरी फेंस लगी हुई है कि जो वाइल्ड एरिया है वहाँ से कोई भी वाइल्ड एनिमल्स आके, जैसे मारगला में वाइल्ड बोर्स जो हैं वो अपायरीज को बहुत डैमेज करते हैं, इसी तरह बाकी जिस एरिया में जो भी वाइल्ड एनिमल है वो अपायरीज को डैमेज कर सकता है, तो कोई ऐसी फेंस या फिर बी कीपर खुद अपनी फेंस भी बना सकते हैं अपायरी के आगे पीछे के उनकी जो कॉलोनीज हैं वो डैमेज ना हो. फिर नेक्स्ट इज कॉलोनीज, जो आप देखेंगे वो ऑफ ग्राउंड विद इंडिविजुअल हाइव स्टैंड. हर कॉलोनी का अपना स्टैंड है और वो अबव फ्रॉम ग्राउंड है ताकि नीचे जो ग्राउंड का इफेक्ट है या उस पर जो ग्रास है या अगर बारिश होती है तो उस हवाले से कॉलोनी डिस्टर्ब ना हो, उसका मॉइस्चर जो है वो कॉलोनी को डिस्टर्ब ना करे. फर्म ग्राउंड पे आपने कॉलोनी रखनी है कि पक्की ज़मीन हो, कीचड़ वाली जगह ना हो, इसमें आसानी रहती है बी कीपर को भी और काम करने के हवाले से. वाटर सोर्स, जिस तरह इसमें पीछे दिखाया गया कि वाटर सोर्स भी करीब ही अवेलेबल है तो वाटर सोर्स होना चाहिए. और कॉलोनी को डिफरेंट कलर्स दिया गया है कॉलोनी को, ये इसलिए होता है कि ड्रिफ्टिंग ना हो, एक कॉलोनी की हनी बीज दूसरी कॉलोनी में ना जाए. विंटर साइट सिलेक्शन के हवाले से जो दो तीन चीज मेन पॉइंट्स हैं वो गुड एयर ड्रेनेज होनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड ना हो जाए और उसमें डैम्प एयर एक्यूमुलेट ना हो जाए, जैसे पहले मैंने बताया कि खाई वगैरह उसमें हनी बीज को रखने से अवॉइड करना चाहिए. किसी ऐसी जगह पे अपनी अपायरी रखनी चाहिए जहाँ पे एयर फ्लो अच्छा हो. द साइट शुड बी शेल्टर्ड बाय विंड ब्रेक्स. अगर विंड ब्रेक्स, नेचुरल विंड ब्रेक्स ज़्यादातर ट्रीज के हवाले से होते हैं तो दरख्तों एक साइड पे आपकी विंड ब्रेक होनी चाहिए ताकि अगर आंधी तूफान वगैरह आए तो उस हवाले से आपकी अपायरी ज़्यादा डैमेज ना हो और वहाँ पे एयर फ्लो. दूसरा, बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे हवा चल रही है, एयर की जो स्पीड है वो ज़्यादा है तो आपकी ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा होगी, हनी बीज को एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी अपनी हाइव में वापस आने के लिए, जिससे अल्टीमेटली आपकी हनी प्रोडक्शन इफेक्ट होगी. तो इसमें विंड ब्रेक्स के साथ रखें जहाँ पे विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा ना हो. आइडली इन पाकिस्तान इसमें हम साउथ ईस्ट टू ईस्ट हनी बीज कॉलोनीज रखते हैं. आपके पास ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे साउथ ईस्ट टू ईस्ट हनी बी कॉलोनीज का फेस हो ताकि सुबह डायरेक्ट सनलाइट जो है वो हनी बी कॉलोनीज पे आए, ऐसी जगह की सिलेक्शन करनी चाहिए. और ग्रास एंड अदर वेजिटेशन अराउंड द हाइव शुड बी कट रेगुलरली. आपकी अपायरी साइड साफ होनी चाहिए, उसको रेगुलरली घास वगैरह को साफ करना चाहिए.
और द मेन थिंग इज गुड व्हीकल एक्सेस टू द बॉर्डर। ये अब दो एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये विंटर साइड के वाले से। इस तरफ जो मेरी पहली पिक्चर है ये आप देखें बहुत ज्यादा बुशी है, एक दरख्त के नीचे बी कीपर ने अपना हाइव रखा हुआ है जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है फॉर विंटर। बहुत ज्यादा शेड है, हनी बीज इसमें हनी बी कॉलोनी को सनलाइट भी नहीं जा सकती और बिल्कुल जमीन पर रखा हुआ है, तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है कि ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। दूसरी देखें कि कमर्शियल अपायरी एक बड़ी हुई है वो गुड वेंटिंग साइड पे, उसके पीछे आप देखें दरख्त लगे हुए हैं उसमें वो एज अ विंडशील्ड उसमें असर अंदाज होंगे और क्लियर ग्राउंड है, साफ सुथरी अपायरी पड़ी हुई है। दो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं अपायरी प्लेसमेंट की। इसी और इसके साथ समर साइड है, आइडियल समर साइड जो होती है वो ब्रोकन शेड, मतलब सारा दिन उसमें धूप भी नहीं रहनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि शाम में या आफ्टरनून या नून के टाइम उन पे साया आ जाए, उन पे शेड होना चाहिए, ट्री का शेड होना चाहिए। अगर ट्रीज नहीं है तो जो मतलब ज़्यादातर फिजिकल माइग्रेटरी बीकीपर में ट्री शेड ही होता है, तो इसलिए ट्री शेड्स में रखना चाहिए। और इस तरह रखना चाहिए कि ना 100% वो सारा दिन धूप में पड़े रहे और ना सारा दिन छाँव में पड़े रहे। सुबह को उनकी धूप जरूरी होती है, सुबह 2-4-6 घंटे कोशिश ये करनी चाहिए ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाए तो उसके आफ्टरनून में या नून में उस पर शेड आ जाए और सुबह एक अच्छी जो सनशाइन है वो हनी बी हाइव को मिल जाए। अर्ली मॉर्निंग सन गर्मियों में और वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हनी बी हाइव जो है वो डार्क कलर के ना हो, क्योंकि डार्क कलर के हाइव जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। वाइट कलर को प्रेफर किया जाता है, पेंट वाइट, इसमें आपके समर में भी जो अंदर का टेम्परेचर है वो अच्छा रहता है और उसमें देन इज एयर मूवमेंट, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एयर मूवमेंट बहुत ज़्यादा भी ना होनी चाहिए, बिल्कुल डम भी नहीं होनी चाहिए, हबस भी नहीं बननी चाहिए और बहुत ज़्यादा एयर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए कि पहाड़ी की जो भी आप रखती हैं वो फिर आपकी हनी बी कॉलोनीज को डैमेज करता है। एयर फ्लो नॉर्मल होना चाहिए वहाँ पर, एयर स्पीड और वाटर सप्लाई का जो सोर्स है और जो नेक्टर एंड पोलन सोर्स है वो नज़दीक होना चाहिए। प्राइवेट लैंड साइड्स के हवाले से, क्योंकि हमारे काफ़ी बीकीपर्स जो हैं वो प्राइवेट लैंड साइड्स पे जाते हैं और प्राइवेट लैंड साइड्स पे पेमेंट का ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली यही करते हैं कि हनी के हवाले से शायद दे देते हैं उनको या इस तरह कोई उनके साथ एग्रीमेंट कर देते हैं। प्राइवेट लैंड साइड्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बीकीपर के लिए है कि जहाँ पर भी आपने साइड सिलेक्शन करनी है, जिस भी प्राइवेट लैंड पर जाना है, इंसेक्टीसाइड की सबसे पहले आपने उससे बात करनी है कि आप दवाई को नहीं इस्तेमाल करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, फ्लावरिंग स्टेज पे आप नहीं करेंगे। द मेन थिंग इज एग्रीकल्चर केमिकल का यूज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर वो भी तो आप कम अज़ कम आपकी जो फॉर्जिंग पीरियड है वो आप उसको अवॉइड कर दें, आप नेक्टर अपना हनी वहाँ से उठा लें, उसके बाद वो हफ्ता 10 दिन डिले कर सके, इस तरह की कोई सेटलमेंट करनी चाहिए। सेम थिंग आउट ऑफ व्यू फॉर पब्लिक होना चाहिए, रोड से दूर होना चाहिए और ऑनर की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपको वो साइट देने के तैयार हो जाए, होना चाहिए, साइट को साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि लोकल वहाँ पे बाकी कितनी अपायरीज पड़ी हुई हैं, ये तो नहीं है कि वो आपकी अपायरी को अपने बिजनेस जगह दे रहा है तो 10 अपायरीज को और बुला रहा है, तो उसमें ना आपका फ़ायदा ना किसी और का फ़ायदा, और ये एडवर्स कंडीशंस की तरफ ले जाता है, ना हनी प्रोड्यूस होता है और ना ही कॉलोनीज बिल्डअप होती है, उल्टा बीकीपर को नुकसान होता है। ड्रिफ्टिंग जो होती है, ड्रिफ्टिंग हम कहते हैं कि किसी भी वजह से, तेज हवा की वजह से या वैसे एक हनी बी हाइव का जो छत्ता है उसकी मक्खियाँ दूसरे छत्तों में जाना शुरू हो जाती हैं। इसमें सबसे मेजर वजह क्या होती है कि लैंडमार्क्स की कमी होती है, हनी बी हाइव्स को वहाँ पे प्लेस करना चाहिए जहाँ पे लैंडमार्क ज़्यादा हो। लैंडमार्क से मुराद झाड़ी जो बड़ी बड़ी ना भी हो, मतलब मीडियम ट्रीज होने चाहिए, क्योंकि हनी बीज जो है वो लैंडमार्क्स को यूज़ करती हैं अपने हाइव तक जाने के लिए। अगर वहाँ पर नेचुरल लैंडमार्क्स मौजूद नहीं है तो आपको चाहिए कि आर्टिफिशियल लैंडमार्क्स वहाँ पर, जब आप अपायरी से शिफ्ट कर रहे हो
उससे पहले आर्टिफिशियल लैंडमार्क्स वहाँ पे रख दें, कोई दरख्त के तने रख दें या कोई इस तरह की चीज़ें, उसके बाद अपनी एफआईडी शिफ्ट करने के बाद ओपन करें ताकि ये ड्रिफ्टिंग का जो है वो कम हो, जिसमें ट्रीज हैं, स्टम्प्स हैं, क्लम्प्स ऑफ ग्रासेस हैं, बुशेस हैं, इन सबको हनीबीज लैंडमार्क के तौर पर यूज करें। अगर कोई भी वहाँ पे ओपन वेजिटेशन हाई वेजिटेशन नहीं है तो आप इसको खुद लैंडमार्क्स को रख सकते हैं। हाइव शुड बी स्पेस्ड बस डिस्टेंस ग्रुप विद ग्रोथ विद देयर एंट्रेंस स्पेसिंग सिलेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शंस। आप ड्रिफ्टिंग को कम करने के लिए उनके मुंह थोड़ा सा तिरछे कर सकते हैं, दूसरे से दूर कर सकते हैं, और उनके जो हाइव एंट्रेंस है उसको डिफरेंट कलर से पेंट कर सकते हैं, तो ये भी साइड सिलेक्शन में ही आता है। इस सिलसिले में हमारे एक्स वाइस चांसलर थे, तो हमारे आसिफ जी साहब एक प्रॉब्लम लेकर आते थे कि जी हमारी जो यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉर्म है उसके करीब कोई बी कीपर मक्खियाँ रखते हैं, तो ये कहते थे उनकी मक्खियाँ जो हैं हमारी मक्खियों को मारती हैं, तो वी सी साहब हमें गुस्से होते थे कि आपकी मक्खियाँ क्यों नहीं उनको मारती। उसके पीछे जो लॉजिक ये थी कि वो डाइवर्स फ्लोरा था, वो मक्खियों को माइग्रेट बी कीपर थे और जितना डाइवर्स हो रहा है उनकी बी हेल्थ उतनी जो है वो बेस्ट होती थी। हम उस वक्त मोस्टली स्टेशनरी एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। तो थैंक्स मिस्टर का एनी क्वेश्चन ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इससे रिलेटेड कोई आपके जहन में क्वेश्चन है? आपने जो कंजम्पशन बताई बीज की कि वो यूज़ करती हैं जो खाने के लिए अपना, तो क्या ये जो इनका जो जो छोटे इनके बच्चे होते हैं इनकी क्या कंजम्पशन होती है, इसका क्या रेशियो होता है कंजम्पशन का? ये जो कंजम्पशन की एस्टिमेट है ये पूरे हाइव की है, ठीक है, पूरे डिब्बे की, उसमें एडल्ट बीज भी हैं उसमें उनके लार्वा भी, तो पूरे डिब्बे की एक कंजम्पशन का एस्टिमेट है कि हम अंदाज़ा लगाएँ कि अगर हमें एक हिस्सा हनी चाहिए, एक हिस्सा हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें तकरीबन 9 हिस्से उनको अपनी कंजम्पशन के लिए चाहिए होता है। तो ये जो एस्टिमेशन है इसमें आपने देखा होगा एक केजीज में था, दूसरा लीटर्स में था, इसका साइंटिस्ट डिफरेंट है, इसका सोर्स डिफरेंट है, इसलिए मुझे वो करना पड़ा कि जो फॉर्जिंग और उसकी बेसिक जो आप कंजम्पशन की बात करें वो पूरे हाइव की है। इंडिविजुअल हनी बी को आप लें तो वो नथिंग आउटसाइड द हाइव, तो हम पूरे हाइव की बात करते हैं बी कीपिंग में कि एक डिब्बा ही एक एंटिटी होता है, तो ये जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है ये उस पूरे डिब्बे की है। और ये एस्टिमेशन इस हवाले से है कि जितना हम हनी हार्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको अपनी कंजम्पशन के लिए चाहिए होता है। अच्छा, मेरा मकसद ये था कि बाज़ बी कीपर जो हैं जब वो हनी हार्वेस्ट करना होता है तो वो क्वीन को जो है वो थोड़ा केज कर लेते हैं ताकि वो ब्रूड कम से कम उसका हो, तो ब्रूड की कंजम्पशन क्या इतनी ज़्यादा होती है कि उससे हनी जो है वो इफेक्ट हो जाता है उसका? आप देखें ना, ब्रूड बेसिकली ब्रूड की कंजम्पशन क्या है, डेवलपमेंट तो सारी ब्रूड में हो रही है, जो अडल्ट हनी भी है उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वो उसको ज़्यादातर नेक्टर से मिल जाते हैं, वो बाहर से अपना फॉरेस्ट कर लेता है और जो प्रोटीन सोर्स है जो उनको पोलन कलेक्ट करने पड़ रहे हैं वो तो अपने उसके लिए रूट के लिए करने पड़े हैं। जब आप उसको हनी बी कन्फाइन कर देते हैं हफ्ते या दो हफ्ते के लिए, दैट मीन्स आपने उसकी साइकिल ब्रेक किया और रूट वहाँ पे मौजूद नहीं है, और अल्टीमेटली उनकी जो फॉर्जिंग कैपेसिटी है पोलन की रिक्वायरमेंट उनको उतनी नहीं रहेगी, दैट मीन्स पोलन वाले फॉर्जर्स भी कम काम करेंगे तो उनकी कंजम्पशन कम होगी, उनको नेक्टर कम चाहिए होगा, तो आपकी अल्टीमेटली हनी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। जो ब्रूड है वो भी नेक्टर यूज़ करता है या सिर्फ वो मेजर सोर्स प्रोटीन है, लेकिन नेक्टर और प्रोटीन मिक्स करके उसको हम कहते हैं बी ब्रेड। तो जो नर्स बीज होते हैं वो पोलन को थोड़ा सा फर्मेंट करके उसमें नेक्टर थोड़ा सा करके तो बी ब्रेड के तौर पर। सर एक क्वेश्चन बी कानूनी शिफ्टिंग के हवाले से है कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है वो हम मूव करना चाह रहे हैं कि इस टेबल के ऊपर पड़ी है और इस टेबल के ऊपर टू शिफ्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो आसानी से जो है ना वो पोलन
उसमें हम अब हनी बी की फॉर्जिंग रेंज है वो 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर के जितने लैंडमार्क्स हैं वो हनी बी को रिमेम्बर होंगे अपने। तो जब हमने कॉलोनी शिफ्ट कर दिया तो हम ये कहते हैं कि आप प्रेफरेबली उसको 3 किलोमीटर से बाहर भेजें दूसरे एरिया, मतलब उस रेडियस से बाहर चलेंगे। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर तक मूव करना चाह रहे हैं उसमें अगर बहुत कम डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल फुट्स में है, मतलब 40 या 30-40 फुट, तो उसका हम डेली के 2-2 फुट या 3-3 फुट भी मूव करते हैं उसे। हनी बी जो है वो थोड़ा सा उनको 1-2 दिन 3 दिन आता है फिर वो अपनी कॉलोनीज में सेटल हो जाती हैं। क्योंकि वो आपने देखा होगा हनी बी हाइव की एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, तो उनमें पिन पॉइंट वहाँ पर होता है। आप जब 10-20 फुट की मूवमेंट है वो आप 2-3 हफ्ते में 2-3 दिन फुट करके 3-3 दिन के वक्त कर लेंगे। अगर 1 किलोमीटर आपको अर्जेंटली मूव करना पड़ गया एमरजेंसी में, फिर उसका हल ये होता है कि आप एक खाली बॉक्स जो है वो उनकी पुरानी लोकेशन पर रखेंगे। जो नई बीज निकलेंगी, नए फॉरेजर्स निकलेंगे, वो अपने लैंडमार्क्स नए सेट कर लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको उसमें चांस ये होता है कि 60-70% फॉरेजर्स जो होते हैं वो पुरानी लोकेशन पर आते हैं, फिर आपको नई लोकेशन पर शिफ्ट करेंगे। फिर ये आपको तकरीबन 1 हफ्ता प्रोसेस करना पड़ेगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन इसमें आपके फॉरेजर लॉस काफ़ी हो सकता है क्योंकि जिनको वो हाइट नहीं मिलेगा वो सवाल। अगर 30 बॉक्स हमने मूव किए हैं तो 30 ही हमें एम्प्टी रखने पड़ेंगे इन केस के। 30 बॉक्स तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप स्मॉल डिस्टेंस मूव करें किलोमीटर या 2 किलोमीटर। ये ऑगस्ट के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है 2-4 बॉक्सेज है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन छोड़ ज़रा अगर क्विकली थोड़ा सा, उसके अंदर ये है कि ये बी कीपर जो है ये फ्लोरा की क्वालिटी को देख लेते हैं कि इसके अंदर कितना एसेंस है, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ये अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि वो लोग चेक करते हैं, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल के अगर जो अनएक्सपीरियंस बंदा वो कैसे चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी, इसमें से कितना शहद एक्सट्रैक्ट हो सकता है? ये फिलहाल तो हमें इसमें मजीद रिसर्च की भी ज़रूरत है, रिसर्च हो भी चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक इस्टेब्लिश्ड है प्लांट्स, पाकिस्तान के हनी फ्लोरा इस्टेब्लिश्ड है कि ये हनी फ्लोरा है, ठीक है। अगर जो नया हनी फ्लोरा आता भी है तो बहुत उसको हम मेजर हनी फ्लोरा नहीं कह सकते। आई मीन टू से इसके कहीं पे जैसे ढेकर लगा हुआ है तो वो देख के बताते हैं यार इसके अंदर रस जो है ना वो कम है, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी, यहाँ पर अच्छा है फ्लोरा, यहाँ पे रस ज़्यादा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट को इसका टेक्निक है कि जिससे हम उसको वो तो आप उसकी नेक्टर को वो फिर साइंटिस्ट लैब में लेके आएंगे, उसकी नेक्टर क्वांटिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, उसकी पोलन क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, पोलन प्रोटीन कंटेंट भी चेक कर सकते हैं। वो एक बेसिक जो फील्ड में बंदा है वो उसका सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है उसके एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो साइंटिस्ट है उसका लैब वर्क मैटर करता है। तो ये उनके एक्सपीरियंस पे ही हमें चलना पड़ेगा। हाँ इसमें मजीद जो रिसर्च है वो